ट्रू। आगे बढ़े। FATF क्या है, ISO क्या है, UPSC का क्वेश्चन है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 G7 ने शुरू किया था इसको, और इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। प्रमोट क्या करती है, कोऑर्डिनेशन कंट्रीज के अमंग टू कंबैट व्हाट, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। कितनी कंट्रीज हैं, 39 मेंबर कंट्रीज है। ये वही कंट्रीज होती हैं जो FATF के नॉर्म्स को फुलफिल करती हैं, ठीक है, रिलेटेड टू ऑल दिस सेगमेंट्स। GCC गल्फ क्रिएशन काउंसिल, गल्फ की काउंसिल है ना, गल्फ क्रिएशन काउंसिल या समथिंग ऐसे ही है काउंसिल। ये क्या है, गल्फ की जो कंट्रीज है उनकी अपनी काउंसिल है, वो है यूरोपियन यूनियन है और 37 कंट्रीज। गल्फ आपको पता है क्या है, मिडिल ईस्ट का सेक्शन, ये वाला जो सेगमेंट है टू सम एक्सटेंट यहाँ पे। इंडिया का मेंबर बना 2010 में बना। एंड देन अनदर इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, ये क्या करती है, कोऑपरेशन बढ़ाती है सिक्योरिटी मार्केट में रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया, इंटरनेशनल सेबी कह सकती हो, ये कह सकती हो कि इट इज अ प्रमोटर ऑफ मेकिंग सिक्योरिटी मार्केट मोर बेटर। ये किसके बीच में कोऑपरेशन है, सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर, जैसे इंडिया का सेबी हो गया, पाकिस्तान का कुछ और होगा, किसी और कंट्री का कुछ और होगा, सो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, ताकि प्रॉपर इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी मार्केट डेवलप रहे। क्लियर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे। विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस अलग अलग सेगमेंट्स हैं, और ये सारे सेगमेंट्स हम डील करेंगे अपनी अगली क्लास में। रीजन इसलिए क्योंकि कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, and we need to compare all those institutions in a very proper and lucid way. ठीक है, so this was it for today's class. अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं quick information session. मैंने आपको PLI के बारे में बताया था, production linked incentive schemes के बारे में। क्या है, इंसेंटिवाइज करना किसको, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को। किसको इंसेंटिवाइज करेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को। डोमेस्टिक प्रोडक्शन से मतलब क्या है, जो रॉ मटेरियल्स है प्लस जो अदर मेथड्स हैं, लाइक वोकल फॉर लोकल वाला सुना है ना, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इफ कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग तो गवर्नमेंट विल इंसेंटिवाइज देम अंडर द PLI स्कीम, ताकि एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप अच्छा खासा इंडिया में हो, विच विल बी ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, विच विल हेल्प इन टू थिंग्स, जो कंजम्पशन बेस्ड मार्केट है इंडिया की उसको, प्लस एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। पॉइंट क्या है, पॉइंट में तीन चीजें याद रखो, इंसेंटिवाइज करेगी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए पहली चीज, दूसरी चीज 14 सेक्टर्स में दिया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, टेक्सटाइल हो गया, स्टील हो गया, और भी सेगमेंट्स हो गए। आपको नंबर याद रखना है 14 सेक्टर्स। बेनिफिट इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का याद रखो कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में वैल्यू एडिशन हुआ है ड्यू टू PLI 23% का। ठीक है, एक और चीज याद रखो, PLI की वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 76% का इंक्रीज हुआ है FDI के आने में इस साल के लिए। ठीक है, सो दीज आर सम पॉइंट्स फ्रॉम PLI, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ है, तो आपके पास डेटा रहेगा, दैट्स नॉट एन इश्यू। थोड़ा सा आगे बढ़ने PLI से, अब PLI के भैया के पास आ जाते हैं हम लोग। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्लस इंडस्ट्री 4.0,
ये इंडस्ट्री 4.0 क्या है? अगर मैं यहां लिख दूं डिजिटल एडवांसमेंट तो कुछ समझ में आया? अब मैं ये लिख दूं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप कुछ समझ में आया? स्मार्ट क्लासरूम सुना है? स्मार्ट क्लासरूम में क्या कह रहे हो? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, डिजिटल एडवांसमेंट। सेम अगर मैन्युफैक्चरिंग में डिजिटल एडवांसमेंट करना हुआ तब क्या करोगे? मशीनरीज और इंटरनेट ऑफ थिंग्स सुना है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स में वेरिएबल्स आ गए, सेंसर्स आ गए जो क्या परफॉर्म करते हैं, ह्यूमन टच का वो परफॉर्म करते हैं, फिजिकल उसका डिवाइसेस का परफॉर्म करते हैं। सेंसर्स एक्चुएटर्स की बात हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा 3D प्रिंटिंग की बात कर लो, ब्लॉकचेन की बात कर लो, ये सब क्या है? ये सब तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। सो जो भी इंडस्ट्री 4.0 में डिजिटल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल रहा है आपके प्रीलिम्स में। तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फोकस ऑन दीज पॉइंट्स और इसके बेसिस पे आपको चार्ट्स बनाने और उन चार्ट्स के हिसाब से कैसे क्या पर्पस हो सकता है वो सारी चीजें करेंगे, ठीक है। अब जब 3D प्रिंटिंग की बात करते हैं तो 3D प्रिंटिंग से हम क्या करें, प्रोटोटाइप डिजाइन तैयार करें और उससे मैन्युफैक्चर करें। आज के 10 साल पहले जाओ तो गाड़ियों का लुक ज्यादातर सेम होता था, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता था। बट आज जाओगे मारुति के उसमें चले जाओ, शोरूम में चले जाओ, या फॉर से महिंद्रा के शोरूम में चले जाओ तो 10-10 वेरिएंट्स हैं गाड़ियों के। कैसे हैं? 3D प्रिंटिंग प्रोटोटाइप डिजाइन तैयार करता है, मैन्युफैक्चरिंग इजी करता है। उसके अलावा मेडिकल इम्प्लांट्स जो हूबहू नेचुरल दिखते हैं वो भी आप 3D प्रिंटिंग से बना सकते हो। क्लाउड बेस्ड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इससे क्या कर रहे हो? कहीं भी हो, A to Z कहीं भी हो आप फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये माई अकेडमी की दिल्ली ब्रांच है। इफ somebody wants from पटना ब्रांच टू एक्सेस ऑल द डेटा ऑफ माई अकेडमी दिल्ली ब्रांच, ये उसमें हेल्प करेगा, सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो। ऑपरेशन सूट है ये एक तरीके से, कहने का मतलब ये कि सारे ऑपरेशन की डिटेल और सब कुछ आप यहां से प्लान कर सकते हो विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन विच इज अ लीडिंग कॉन्सेप्ट। उसके बाद What is this? Digital public infrastructure, ये क्या है? Infrastructure से मतलब कुछ बनाया होगा, लेकिन कौन सा infrastructure? Public infrastructure. Infrastructure जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था 3 टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, सोशल, फिजिकल और डिजिटल। फिजिकल जो दिख रहा है, सोशल स्कूल कॉलेजेस हेल्थ केयर ये सब हो गया। डिजिटल क्या है? व्हाट इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट कम्स अंडर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर? इंटरनेट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो मेरी क्लास यहां से लाखों सैकड़ों लोगों तक पहुंच जाएगी आराम से, राइट? इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे पहला की पॉइंट क्या है? इंटरनेट। ठीक, इंटरनेट हर जगह पहुंच गया, इंटरनेट से बेनिफिट क्या हुआ? 3 कंपोनेंट है इसके। पहला कंपोनेंट है डिजिटल आइडेंटिटी। व्हाट इज डिजिटल आइडेंटिटी? आपकी डिजिटल आइडेंटिटी क्या है अगर मैं पूछूं तो? कोई कैसे पहचानेगा कि आप कौन है? आ,
आपकी डिजिटल आइडेंटिटी क्या है इंडिया में? आधार। पेमेंट की बात करें तो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास क्या है डिजिटल फॉर्म में? और डिजिटल एसेट की बात करें तो क्या है? अपने डॉक्यूमेंट्स कहां सेव रख सकते हो? सो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ प्लेटफॉर्म विच गिव डिफरेंट डिजिटल सर्विसेज लाइक डिजिटल आइडेंटिटी, पेमेंट इंटरफेस और डिजिटल असेट्स विच आर इसेंशियल फॉर citizens or essential for delivering different benefits to citizens.